हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मरियम। और कॉफ़ी विद करण के जो एपिसोड आया था परसों आया था, मतलब थर्सडे वाले दिन जो आता है, उसको मुझे रिव्यू करना है। मैंने मतलब रिव्यू करना रह गया मेरा। एक्चुअली मैं बहुत दूसरे काम में बहुत बिजी थी। मैं बहुत जल्द आप लोग को बताऊँगी कि मैं क्या काम में बिजी थी। आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं दूसरे काम में बिजी थी, इसलिए मैंने मतलब नहीं रिव्यू डाल सकी। मैं कॉफ़ी विद करण का जो गौरी खान आई थी और कौन है संजय कपूर की वाइफ का नाम वो, और जो अनन्या पांडे की जो मदर है वो आई थी। मैंने मुझे नाम याद भी है, एक्चुअली दिमाग में नहीं आ रहा है नाम। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहता है। तो मुझे मतलब बेसिकली मुझे ऐसा कहना है कि मुझे गौरी खान बहुत अच्छी लगी। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत एक कामनेस और एक जो कंपोज करेक्टर होता है वो लगती हैं, बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया देखने में गौरी खान को। पर शाहरुख खान की वजह से वो अपने कैरियर को परसू कर सकी हैं, ये तो एक फैक्ट है, जो कि मतलब वो खुद भी मानती होंगी। और बहुत ऑनेस्टली बात करनी थी तो मुझे उनकी जेन्युइन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से वो उन्होंने मतलब हर चीज़ के बारे में सही सही बात की। इसके अलावा जो आर्यन खान के बारे में बात की वो भी मुझे बहुत सही लगी, कि मतलब कि बहुत टफ टाइम था उनके लिए। और सही बात भी है कि ड्रग्स नहीं मिलने के बाद भी इतने ज़्यादा दिन आर्यन खान को जो पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ा, बहुत गलत है। क्योंकि भारती सिंह को के पास भी मिले थे ड्रग्स, पर उसको वो दो दिन में छूट गई। तो थोड़ा तो मतलब भुगतना पड़ता है जब आप किसी मतलब सेलिब्रिटी के बच्चे हों, तो ये तो मतलब दिखता है थोड़ा सा कि ज़्यादा परेशान किया। और मुझे मतलब मैं बहुत फ़ैन हूँ गौरी खान, शाहरुख खान और फैमिली की, मतलब क्योंकि बहुत ही मतलब मुझे लगता है नाइस ह्यूमन बीइंग है शाहरुख खान। और मुझे पता नहीं मुझे शाहरुख खान क्यों इतने अच्छे लगते हैं, पर मुझे बहुत वर्कहॉलिक टाइप के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने शाहरुख खान के बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे जिसमें वो मतलब इतना काम कर कर के 3-4 घंटे सोए थे, और दिख रहा था कि आँखों में इतनी नींद है, पर फिर भी उनको शूट पे जाना है या जाने वाले जाना है। तो मुझे मतलब बहुत वर्कहॉलिक टाइप के बंदे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एसआर के। और जिस तरह से वो अपनी फैमिली को की केयर करते हैं, जिस तरह से वो अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में कि इतना ज़्यादा मतलब कोई अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख के। क्योंकि मेरा भी मतलब एक ड्रीम है कि मैं भी इस तरह का कुछ कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए, और बहुत जल्दी कर सकूँ। तो मुझे गुड लक विश करें कि मैं ऐसा कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए। और मुझे जो कॉफ़ी विद करने तो वापस आते हैं मैं तो कड़ी कान कर से चली गई। बस मुझे ये ना कॉफ़ी विद करण में, क्योंकि करण जौहर ने ये कहा कि एसआर के बगैर भी उन्होंने इतना नाम बना लिया है, तो मुझे करण जौहर झूठ ही बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये सच नहीं है। अगर गौरी खान का कैरियर है तो क्योंकि शाहरुख खान ने मतलब उनको इतना मतलब हर तरह से रिलीव किया हुआ है कि मतलब उनको किसी तरह की टेंशन में नहीं होती है वो, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो बेसिकली है ही, तो इसलिए इतने बड़े लेवल के और इतना बड़ा काम वो कर सक रही हैं। तो ये एक फैक्ट है जो मतलब सबको मानना ही चाहिए एक्चुअली, तो उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि वो अपना जो कैरियर है उसको इतने परफेक्ट तरीके से कर रही हैं, बहुत जो चाहिए वो चाहिए, जो मतलब करना है वो एक बहुत क्लियर विजन के साथ करती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और वो इतना कॉन्फिडेंस भी आता है, वो इसी वजह से आता है उनको भी, कि वो इतनी अच्छी फैमिली में बिलोंग करती हैं, उनको किसी भी तरह का टेंशन से दूर रखा है। वरना मतलब इंसान खुद कर रहा हो और ख़ुद को उठाने की कर रहा हो बगैर पैसों के, तो हज़ार चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है एटलीस्ट। तो ये कॉमन हमारा व्यू है जो कॉमन फैमिली से आते हैं या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जो हम होते हैं, तो
तो ये है मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ बैक टू कॉफ़ी विद करण, क्योंकि काफ़ी बात हो गई इस बारे में। अब कॉफ़ी विद करण पे वापस आते हैं, तो इसमें मुझे अच्छा लगा, मुझे सिर्फ कौड़ी खानी अच्छी लगी मुझे। मैं हाँ क्या नाम है, मुझे नाम याद था क्योंकि मैंने रिव्यू करना है मुझे बहुत जल्द ही। बॉलीवुड वाइफ्स वाला जो उनका वो है, मतलब नाम भी याद नहीं रहते, क्योंकि इतनी ख़राब एक्टिंग उसमें भी की है इन दोनों ने, मतलब एक्टिंग ही नहीं आती उसमें भी। गौरी खान मुझे अच्छी लग रही थी, सिंपल स्वीट क्वाइट, मतलब जितना बोलना है उतना बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं फालतू के लिए। वो मुझे उसमें भी बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग को कैसी लग रही थी? और मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ तो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग फ़ैन है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना प्लीज़ कि आप लोग कितने फ़ैन हैं नहीं हैं। जो भी है आप लोग का ओपिनियन, तो और सारे ओपिनियन वेलकम है, बस अच्छी लैंग्वेज में हूँ और बगैर गाली के एन अब्यूसिव लैंग्वेज के हों तो सब वेलकम है। तो डिफरेंट ओपिनियंस होना मुझे नहीं बुरा लगता, किसी का भी हो सकते हैं और होने भी चाहिए, तो सबके दिमाग अलग हैं तो सबके ओपिनियन अलग होने चाहिए ऐसे, तो ये ठीक लगता है मुझे। इसके अलावा मुझे कोई जो राउंड था उसमें गौरी खान जीत गई, वो भी इतने ज़्यादा उससे, तो मुझे खुशी हुई, मैं मुझे भी चाहिए था कि वही जीतें। और दूसरे जो राउंड था उसमें वो जीत गई, जो संजय कपूर की जो वाइफ है वो जीत गई। तो अनन्या पांडे की जो मदर हैं वो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सैड सी लगती हैं, पता नहीं मुझे उनकी आंखें देख के ऐसा सही लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो खुश हैं ऐसे, मतलब वो बताती ज़रूर हैं पर मुझे वो जेन्युइन नहीं लगी। मुझे नहीं लगा कि वो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और मतलब वो अपनी लाइफ में ऐसा खुश हैं, मुझे मेडअप सा लगा, पता नहीं कितना सही लगा मुझे या नहीं लगा, लेकिन वो मुझे बहुत फेक सी लगी, मुझे वो जेन्युइन नहीं लगी। और यही चीज़ मुझे इनकी जो सीज़न था बॉलीवुड वाइफ वाला उसमें भी, कि मतलब अपने रियल रिश्तों में भी जब वो एक रियलिटी दिखा सकती हैं, रियल एक्टिंग ही करनी थी उसमें, तो रियल रियल ही वो करना था जो बिहेवियर था वो, लेकिन उसमें भी इतनी मेजर सी एक्टिंग और मतलब बिला वजह की चीज़ें जो मैं बाद में रिव्यू करूँगी आराम से। तो बहुत ज़्यादा कहाँ की एक्टरी है ये और क्यों इस मूवी फिल्में बन रही हैं, मतलब सीजन बन रहे हैं, पता नहीं, ज़्यादा ही पैसा हो गया तो गरीबों में बांट दो, करण जौहर को गरीबों में बांटना चाहिए, इतना बुलावाजा कि उनके ऊपर वेज करना, कम थोड़ी है उनके पास पैसे, तो बुलावाजा की लग रही है। कोई एक्टिंग एक्टिंग आती नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ भी मेटअप सा कर रहे हैं, तो ये सब तो वो मुझे ऐसे लगा। आप लोग को भी जो कहना हो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। और बस ये था, मुझे मज़ा आया देखने में कॉफ़ी विद करण का ये एपिसोड भी। और मुझे करण जौहर मुझे थोड़े झूठे ही लगते हैं, क्योंकि वो बहुत बनावटी से बिहेव करते हैं। रियल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि पब्लिक आपको पसंद करे, तो जब ये बात उनको समझ में आ जाएगी, जब वो मतलब ठीक शायद कर लें खुद को, क्योंकि जैसे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में थे, तो वो इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे उस टाइम फ्रेंड का रोल करते हुए, मुझे बहुत मज़ा आया था देखने में। पर अब टोटल फेक हैं, कुछ भी मतलब सब बनावटी लगता है, कुछ भी दिल से आते हुए नहीं दिखता उनका। कौड़ी के साथ जो बिहेवियर था वो दिल से आता हुआ दिखा, तो वही समझ में आ भी गया, तो उनको समझना चाहिए कि अब जो सिर्फ रियलिटी है जो उनके दिल से आएगा वही पब्लिक पसंद करेगी। मेडअप कुछ भी कर लेना पब्लिक पकड़ लेगी, तो देखते हैं कब तक करण जौहर को समझ आता ही है और उसी तरह की प्रो फिल्में बनाते हैं, क्योंकि अब लोग नहीं पसंद करेंगे। उनको समझ आना चाहिए कि बायकॉट बायकॉट वो नहीं है, बायकॉट ये है कि आप सिर्फ रियलिटी दिखाओ, कोई भी चाहिए नहीं है ऐसे मेडअप सा हमें पब्लिक को। एक्चुअली ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग का किसी में ओपिनियन हो तो बताना आप लोग। और बस मुझे ये कहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा गौरी खान और आई लव हर एटीट्यूड, आई लव हर स्टाइल, मुझे उनका जो फैशन स्टाइल था वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे करण जौहर का अच्छा नहीं लगता, पर वो करण जौहर को बोल रही थी फैशनिस्टा, पर मुझे वो लगी इतना मतलब क्यूट इनके। वो अगर ऐसे रैंडम कोई पर्सन होती ना वो शाहरुख खान की वाइफ के अलावा, तो उनके लुक्स पे ज़्यादा कोई नहीं वो करता, लेकिन क्योंकि वो शाहरुख खान की वाइफ है तो जितना वो स्टाइल करती हैं, जितना वो एक उनका एटीट्यूड जो है
कपड़े पहनने का जो फैशन जो उन्होंने रखा मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब और जो वो टाइम के साथ जो एक एटीट्यूड और जो फोकस और जो मतलब मेच्योरिटी और कामनेस उनके चेहरे पे दिखती है मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी गौरी खानन। शाहरुख खान तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं बहुत वेट कर रही हूँ शाहरुख खान की मूवी का कब आएगी, तो जब भी उनकी मूवी भी आए और मुझे गौरी खान को भी और देखने का दिल होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। और ये था मेरा रिव्यू, और आप लोगों को क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।